अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली अल्लाह ताला के फजल करम से महफूज होगी। व्यूअर्स, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मेरा चैनल, क्योंकि ओबियसली ओवर क्रीम के बारे में नहीं है, मैं जनरल इन्फॉर्मेशन और बिजनेस आइडियाज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ अर्सा पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको पाकिस्तान की टॉप 10 इम्पोर्ट्स बताई थी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो 20 ऐसी इम्पोर्ट्स शेयर करूंगा और उनकी इम्पोर्ट की कितनी जो है ना वो थी, अमाउंट थी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उस शेयर करने का पर्पज़ जो है ना वो ये है कि आप लोग इस चीज़ों से आइडिया लगा सकेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में ज़्यादा इम्पोर्ट हो रही हैं और पाकिस्तान में उसका फ्यूचर ज़्यादा है, और इन केस अगर वो चीज़ें आप लोग यहाँ पे प्रोड्यूस करना शुरू कर दें तो वो बाहर से इम्पोर्ट कम हो जाएगी और आपका बिजनेस चलने के ज़्यादा से ज़्यादा है। मतलब ऑन ए होल एक सिनेरियो शेयर करूंगा आपके साथ जिसमें मैं जो है ना, जो हमारा लास्ट ऑफिशियल ईयर था उसमें जो 20 ऐसी मेजर इम्पोर्ट्स थी वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, और कितनी की इम्पोर्ट हुई वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोग वहां से एक आइडिया ले सकते हैं कि हाँ यार, ये हमारे फील्ड है या हम ये हम कर सकते हैं, यहाँ से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आपको डिसीजन मेकिंग में जो है ना वो फायदा हासिल होगा। तो चलिए आज बढ़ते हैं आज की हमारी इस वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले वही आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है ना वो आपको फक्तन फक्तन मिलती रहे। तो आइए बढ़ते हैं हमारी इस वीडियो की तरफ। जी हाँ, जो सबसे पहले इम्पोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आल दो मैं आपको इस चीज़ को रेफर नहीं करूंगा क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में सारी चीज़ें चल रही हैं, सारी चीज़ें अलाउ भी हैं, तो जो लोग म्यूज़िक इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं उनके लिए है कि पाकिस्तान ने लास्ट ईयर जो है ना $2.4 मिलियन की म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है ना बाहर से इंपोर्ट करवाए हैं। तो ये एक जो है ना एक अच्छा जो है उन लोगों के लिए है जो इस फील्ड से वो रखते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है हेड गियर्स, हेलमेट्स। बाइकर हजरात या दूसरे लोग जो है ना जो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब के इस चीज़ों में इन्वॉल्व हैं और बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करवाते हैं, इंपोर्टेड हेलमेट्स यूज़ करते हैं, वो है। तो उसमें ये आप कर सकते हैं कि आप खुद तो ये चीज़ें नहीं बना सकते, लेकिन हाँ बाहर से इंपोर्ट करवा के यहाँ पे अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के वो सेल आउट कर सकते हैं, क्योंकि लोग डायरेक्ट वहाँ से मंगवाते हैं और अगर आप वो वहाँ यहाँ पर उनको सारी चीज़ें मिल जाएँ तो वो आपको जो है ना अच्छा प्रॉफिट मार्जिन वो दे सकता है। इसमें जो है ना वो ये पाकिस्तान में लास्ट 7 मिलियन की इंपोर्ट की गई है। तीसरे नंबर पे जो है वो है निटेड फैब्रिक्स। पाकिस्तान में फैब्रिक्स की बहुत अच्छी जो है ना इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा बूम कर रही है। फैसलाबाद जो है ना इंडस्ट्रियल हब गिना जाता है टेक्सटाइल में, लेकिन पाकिस्तान ने लास्ट ईयर में जो है ना 186 मिलियन की निटेड फैब्रिक्स बाहर से मंगवाई। अगर आप वही फैब्रिक्स यहाँ पाकिस्तान में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें, उन लोगों को प्रोवाइड करें, तो आप लोग जो है ना एक बहुत अच्छी इनकम वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। चौथी प्रोडक्ट जो है वो है मीट प्रोडक्ट्स, ठीक है। $10.9 मिलियन की जो है ना मीट प्रोडक्ट, उसमें क्या होता है कि डिफरेंट किस्म का मीट होता है। हाँ, मैं आपको ये जरूर फेवर करूँगा कि हलाल मीट की तरफ जाएँ, हराम मीट की तरफ ना जाएँ। तो मीट प्रोडक्ट्स जो है ना वो 10.9 मिलियन की पाकिस्तान में लास्ट ईयर इम्पोर्ट की गई है। फिफ्थ नंबर पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स 5.8 मिलियन के। आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारी डेकोरेशंस में, शादियों की डेकोरेशन में, कॉर्पोरेट फंक्शंस में, वहाँ पे जो होते हैं। पाकिस्तान में लास्ट $5.8 मिलियन की आर्टिफिशियल फ्लावर्स इंपोर्ट की गए। नंबर सिक्स पे है फर्नीचर, जो कि $206 मिलियन की इंपोर्ट हुई है। यहाँ पे आप फर्नीचर बनाएं, अच्छी क्वालिटी का बनाएं और वहाँ पे सेल करें, आप अच्छे जो है ना प्रॉफिट मार्जिन के साथ अपने बिजनेस को बूम कर सकते हैं। जी हाँ, नंबर सेवन पे आता है ट्रीज एंड प्लांट्स। ट्रीज एंड प्लांट्स वो ट्रीज जो पाकिस्तान में नहीं पाए जाते, बाहर से लोग इंपोर्ट करवाते हैं। अगर आप वो इंपोर्ट खुद करवा कर यहाँ पे सेल करने लगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन उसमें से भी जनरेट हो सकता है। वो है 3.8 मिलियन की लास्ट ईयर में पाकिस्तान में ट्रीज एंड प्लांट्स इंपोर्ट किए गए। उसके बाद नंबर एट पे जो आता है वो है एनिमल्स। जी हाँ, लोगों को बहुत ज़्यादा शौक होता है पेट्स रखने का, पर्शियन कैट्स मंगवाते हैं, ये मंगवाते हैं, वो मंगवाते हैं, तो बाहर से वो मंगवाते हैं। तो $7 मिलियन की इंपोर्ट हुई है जो है ना एनिमल्स की लास्ट ईयर में पाकिस्तान में। नंबर नाइन पे बहुत बड़ी पाकिस्तान की जो इंपोर्ट है वो है व्हीकल्स की। मैंने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था जिसमें टॉप 10 आपके साथ इंपोर्ट शेयर की थी, इसमें भी आपको बता रहा हूँ कि $2.5 बिलियन की व्हीकल्स जो है ना इंपोर्ट हुई हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ये अपनी इस कार ये कर वो कर, तो उसमें जो है ना $2.9 बिलियन की व्हीकल्स लास्ट ईयर पाकिस्तान में इंपोर्ट की गई हैं। नंबर 10 पे ऑयल सीड, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ऑर्गेनिक फूड उसमें जो है ना आता है
$2.5 billion का और जो है ना ऑयल सीड्स जो है ना लास्ट ईयर पाकिस्तान में इंपोर्ट किया गया। थोड़ा सा मुश्किल काम ज़रूर है, खेती बाड़ी वाला थोड़ा सा काम भी इस तरह का है, LVVIP नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें जो है ना ये चीज़ें बनाकर पाकिस्तान में ही प्रोड्यूस करेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जनरेट होगा, पाकिस्तान को इंपोर्ट कम होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी इकॉनमी वाइज भी, और आप लोगों के लिए भी बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नंबर 10 पे, वो है आर्ट पीसेस का। $0.5 million की जो है ना इम्पोर्ट की गई है लास्ट ईयर आर्ट पीसेस की। आर्ट पीसेस का पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा स्कोप है और इंडस्ट्री भी बन रही है, लेकिन अगर हम उस लेवल के आर्ट पीसेस बनाएंगे जो पाकिस्तान बाहर से इम्पोर्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। कॉटन टॉप 10 जो है ना पाकिस्तान की इम्पोर्ट में से एक है। आल्दो पाकिस्तान खुद बहुत अच्छी कॉटन बहुत क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की डिमांड पूरी नहीं हो रही। लास्ट ईयर $1 billion की कॉटन जो है ना पाकिस्तान ने इम्पोर्ट की है। उससे बाद आता है वुड बल्ब। जी हाँ, $211 million का वुड बल्ब लास्ट ईयर इम्पोर्ट किया गया, जिससे आपके ये कागज बनते हैं। अगर आप लोग चाहें तो ये वुड बल्ब पाकिस्तान में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि यहीं पे कागज इम्पोर्ट प्रोड्यूस हो और वो पाकिस्तान के जो है ना डिफरेंट सिटीज में वो सर्कुलेट करे और पाकिस्तान का अपना कागज बने, हमें बाहर से ये जो है ना वुड बल्ब बनाने मंगवाने की जरूरत ही पेश ना आए। इसके बाद हम आते हैं जैसे नेटेड फैब्रिक्स है, नेटेड जो है ना क्लॉथिंग भी है। $57 million की लास्ट ईयर में जो है नेटेड फैब्रिक्स की इम्पोर्ट की गई है। नेटेड फैब्रिक तो एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में बहुत इजीली बना सकते हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हुनर है, बहुत ज़्यादा लोग एक्सपर्ट हैं, टेक्निकल हैं, तो ये चीज़ें जो है ना पाकिस्तान में भी बनाई जा सकती हैं। उसके बाद आते हैं अगली हमारी जो 15th है वो है टेक्सटाइल फैब्रिक की। टेक्सटाइल फैब्रिक पाकिस्तान से अच्छा कहीं पर नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि डिमांड ज़्यादा है हर जगह, ये जितने भी ब्रांड्स हैं ये सारा जो कपड़ा यूज़ करते हैं सारे इम्पोर्टेड लेते हैं, बाहर से लेकर आते हैं, तो पाकिस्तान का कपड़ा बहुत अच्छा गिना जाता है, लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ का कपड़ा जो है ना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, यहाँ पे लोकल यूज़ के लिए नहीं रखा जाता, इसलिए पाकिस्तान को बाहर से कपड़ा मंगवाना पड़ रहा है। और $1.5 billion की लास्ट ईयर इम्पोर्ट हुई है पाकिस्तान में टेक्सटाइल फैब्रिक्स की। नंबर 16 पर जो आता है वो है सीरियल्स। जी हाँ, हमारे दूध ये दूसरे बच्चों की जो है ना न्यूट्रिशनिस्ट गजाएं जो हो गई हैं, जो फार्मूला मिल्क हो गई, ये सारा सीरियल्स में आता है। $167 million की जो है ना लास्ट ईयर इम्पोर्ट। ये मेरा ख्याल है एक ऐसी इम्पोर्ट है जिस पर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ें बाहर बन रही हैं वो बाहर ही बन सकेंगी, वो पाकिस्तान में नहीं बनाई जा सकती, तो इसलिए जो है ना इसको छेड़ा ना जाए। यहाँ उसके बाद जो आते हैं ना 17 नंबर पर वो है कॉफ़ी एंड टी। जी हाँ, पाकिस्तान में हर बंदा टी और कॉफ़ी का शौकीन है, अगर वो शौकीन नहीं है तो वो पाकिस्तानी कहलाने का मेरा ख्याल हक नहीं रखता, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टी और कॉफ़ी जो है ना बनाई जाती है, मोस्टली ये श्रीलंका से या कीनिया से, यहाँ से ये टी वगैरह जो है इम्पोर्ट की जाती है। पाकिस्तान में लास्ट ईयर $174 million की टी और कॉफ़ी इम्पोर्ट की गई है। इसमें ये ज़रूर कर सकते हैं, अगर टी हम अपने पाकिस्तान में उगाना शुरू कर दें तो ज़ाहरी बात है हमारी इम्पोर्ट कम हो जाएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा और आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। के बाद आते हैं 18 नंबर पे, वो है एक्सप्लोसिव्स। एक्सप्लोसिव्स का मतलब ये नहीं है कि बम बुलबुल है, वो एक्सप्लोसिव मतलब ये फायरवर्क्स वगैरह के लिए जो यूज़ होती है, ऑल्दो ये किसी जगहों पे इलीगल है, गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर नहीं चलानी चाहिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक इम्पोर्ट ज़रूर है और $0.5 million की जो है ना लास्ट ईयर में इम्पोर्ट जो है की गई है एक्सप्लोसिव की, जिसको आप अपने आसानी के लिए जो है ना फायरवर्क्स भी कह सकते हैं। 19 नंबर पे हमारी पाकिस्तान की टॉप 10 जो है ना इम्पोर्ट में से एक वो है आयरन एंड स्टील। जी हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान आयरन और स्टील बाहर से जो है ना इम्पोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान की स्टैम्प पे नंबर 1 पे जो इम्पोर्ट आ रही है वो आयरन एंड स्टील है विद $4 billion की। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट ज़रूर चाहिए आपको, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड कर भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी वो करनी चाहिए जो लो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट हो। आयरन एंड स्टील आप लोग जो है ना इंडिविजुअली बहुत मुश्किल है करना, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर ये स्टील प्रोड्यूस होने लगे तो पाकिस्तान जो है ना बहुत सारे एक्सपेंसिव से बच सकता है। आयरन एंड स्टील बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा यूजेज है, पाकिस्तान का 4 बिलियन के साथ नंबर 1 पे इम्पोर्ट जो हमारी आ रही है वो आयरन एंड स्टील्स की है। लास्ट पे जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा वो है मशीनरी। मशीनरी में डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, मतलब हैवी मशीनरी भी आती है, लो मशीनरी भी आती है, नट एंड बोल्ट्स तक भी आते हैं, ये एक ह्यूज जो है ना वो कंपोनेंट बनता है। मैंने जो टॉप 10 वीडियो शेयर की थी उसमें मशीनरी की जो है ना वो 2 नंबर पे आ रही थी विद $3.5 billion ऑफ लास्ट ईयर। बाकी मशीनरी मतलब जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हर प्रोसीजर के लिए, बहुत सी मशीनरी पाकिस्तान में बनती है, जो मशीनरी नहीं बनती तो ऑब्वियसली आपको बाहर से इम्पोर्ट करवानी पड़ती है। अब ये एक ब्रॉड जो है ना पूरा वो है स्पेक्ट्रम है मशीनरी का, इसलिए मैं आपको इसके स्पेसिफिकली नहीं कह सकता कि आप ये बनाएं ये बनाएं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, वो बाहर से इंपोर्ट करानी पड़ती हैं, तो ये जो चीज़ें होती हैं इस तरीके से 3.5 बिलियन के साथ लास्ट ईयर पाकिस्तान ने मशीनरी बाहर से इंपोर्ट करवाई है। ये वो 20
इम्पोर्ट्स थी जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लेवल पे किस्म की टॉप 20 इम्पोर्ट्स मैंने आपके साथ शेयर की। शेयर करने का पर्पज़ क्या था कि आप लोग इस चीज़ों को जज करें कि ये हमारी फील्ड हो सकती है, यहाँ पे हम यूटिलाइज़ हो सकते हैं, यहाँ पे हम इसको आगे लेके जा सकते हैं, वहाँ पे आप उस फील्ड में घुसकर उस चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करें। उससे ये होगा कि आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, पाकिस्तान की इम्पोर्ट कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगी, इकॉनमी बेहतर हो जाएगी और आपकी अपनी पर्सनल इकॉनमी भी उससे काफ़ी हद तक इंशाल्लाह जो है ना बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये वो चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ पसंद आई होंगी, उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा और उम्मीद करता हूँ आपको मोटिवेशन भी मिलेगी। ऐसी वीडियो को प्लीज़ देखा करें, ये जो वीडियोस होती हैं मैं आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ, इन्फॉर्मेशन प्लस मोटिवेशन के लिए। तो आप लोग मोटिवेट हुआ करें और साथ मुझे मोटिवेट किया करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आई है, और दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह।